यहाँ पे रेड फोर्ट में कैंटीन बनी है, अगर आपको भूख लगे तो आप यहाँ पे खा सकते हैं। तो हमें लग रही है भूख, तो हम जाते हैं देखते हैं क्या कुछ अच्छा मिलता है। तो अच्छा मिलेगा, हेल्थी तो ही खाएंगे। तो गाइस यहाँ पे कैंटीन बनी हुई है रेड फोर्ट में, तो काफ़ी स्ट्रगल, जितना मैं घूम गया उतना घूम के आना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद यहाँ पे आप कुछ खाना पीना चाहे तो खा सकते हैं हेल्थी, और साफ सफाई का देखते हैं कैसा है। तो गाइस रेड फोर्ट की कैंटीन में हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ खाने पीने लेते हैं सामान, और फिर आपको हम दिखाते रहेंगे वीडियो के अंदर। साथ रहना, आपको भी खिलाएंगे, स्वाद अगर आ गया तो आपको। तो हमने ना कंटीन में खाना लिया था, एक तो लिया था हमने वेज सैंडविच और दूसरा लिया था छोले कुलचे और चाय ली थी। तीनों ही चीज़ों का टेस्ट अच्छा नहीं था, तो लगभग 100 रुपये हमारे लगे। आइसक्रीम भी इतनी कुछ खास नहीं है, तो बाकी आप टेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बाहर जाएंगे तब खाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं फिर हम निकलेंगे बाहर की साइड, एग्जिट मारेंगे। उसके बाद हमारा प्लान है जामा मस्जिद जाने का, फिर हम वहाँ पर जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे सदर बाज़ार। तो वीडियो में आप बने रहो। तो भाई जैसे आप लाल किले में घूम रहे हो तो एक बताऊँ, कपड़े आप ना ज़्यादा हैवी मत पहनो, तो बिल्कुल लाइट कपड़े हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो सको, उस तरह के आपको कपड़े पहनने चाहिए ताकि आप आसानी से घूम सको। तो कपड़े आपके वैसे होने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो सको। ज़्यादा हैवी कपड़े पहनोगे इन दिनों में, मतलब गर्मी के टाइम, उमस के टाइम है, तो भाई बहुत तंग हो जाएगी, पैदल चलना पड़ता है, बुरा हाल हो जाता है। तो नॉर्मल कम्फर्टेबल कपड़े हो जिससे आप कम्फर्टेबल हो सको। इस तरह के आपको पत्थर पे लिखे हुए कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको अच्छे से रीड कर सकते हो, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इस तरह के आपको बहुत से पत्थर देखने को मिलेंगे, शेप लेकर देखने को मिलेगी, जहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है जो उस जगह से रिलेट करता है। तो आप वीडियो को पॉज करना और अच्छे से उसे रीड कर लो, अगर रीड नहीं करना चाहते तो आप आगे कंटिन्यू देखते रहना। तो गाइस ये आ चुके हैं मुमताज महल, तो तीर का निशान दिया हुआ है और उधर टॉयलेट्स भी है, तो वहाँ फ्रेश भी हो लेंगे हम थोड़ा सा। और दीवाने आम है वो उस तरफ है, तो हम चलते हैं पहले मुमताज महल की तरफ, देखते हैं कैसा है वो। तो दोस्तों आगे है मुमताज महल, तो मुमताज महल देखते हैं, और वहाँ पर टॉयलेट भी बना हुआ है, तो वहाँ पर थोड़ा सा हो जाएंगे फ्रेश और रिफ्रेश। तो काफ़ी देर होगी घूमते हो अपने को। एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप ताजमहल नहीं, अगर आप लाल किला आए हो ना, सुबह 10 बजे आते हो तब आप शाम तक घूम सकते हो। कहने का मतलब है आपको पूरा दिन चाहिए रेड फोर्ट को कवर करने के लिए और घूमने के लिए, तब जाके आप अच्छे से घूम सकते हो। अगर आप 2-3 घंटों के लिए आ रहे हो तो भाई तो मत ही आना, तो आना बेकार है आपका। तो आगे तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। तो भाई यहाँ पे अलाउ इसलिए नहीं है क्योंकि भाई पूरा बहुत पुरानी चीज़ें हैं, तो ऐतिहासिक तौर पर उनको बनाए रखने के लिए रखा गया है, इसलिए अलाउ नहीं है। और एक तो स्ट्रक्चर है, जितने थोड़ा थोड़ा व्यू दिखा रहा हूँ ना, ये सब का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, कैसा का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि आने वाले टाइम में और अब कोई नहीं बना सकता है। ये पुराने ज़माने की चीज़ें बनी हुई है। Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Thank you.
my eyes open to forced reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो गाइज हमने पूरा लाल किला घूम लिया है, तो एक बार हाईलाइट बता देता हूँ आपको। अगर आपको लाल किला में आना है तो चांदनी चौक आ जाओ, आप कहीं से भी आ रहे हो तो मेट्रो रास्ता आप ढूंढ लोगे, तो चांदनी चौक आ जाओ। चांदनी चौक से पैदल पैदल चलोगे तो आपको लाल किला दिख जाएगा, बिल्कुल पास में ही है, तो वहाँ पे आप आ जाना। वहाँ से आपको क्या करना, ऑटो पकड़ना, 10 रुपये लेगा। वहाँ से आप ऑटो पकड़ के जहाँ पे एंट्री होती है लाल किले के अंदर, वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। अब वहाँ पे थोड़ा सा जैसे पैदल आओगे तो वहाँ पे एक सीन ये है कि वहाँ पे टिकट लेनी पड़ेगी। तो ऑफलाइन टिकट लोगे तो आप वहाँ पे मिलेंगे वो 50 रुपये, ऑनलाइन लेते हो तो आपको मिलेगी 35 रुपये की। और अगर आप म्यूजियम भी देखना चाहते हो तो यहाँ पर 4-5 म्यूजियम है। तो अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हो तो 80 रुपये की, ऑनलाइन बुक करते हो 56 रुपये की है। तो ऑफलाइन लेने का नुकसान दोनों तरफ ही है, क्योंकि एक तो लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, बहुत भयंकर भीड़ है। मैंने क्लिप स्टार्टिंग में दिखा चुका हूँ मैं, तो फिर से एक बार हाईलाइट दे रहा हूँ। तो वहाँ से आप टिकट लेके अंदर आ सकते हो आप, तो आराम से घूमते फिरते रहिए, वीडियो बनाते रहिए, रील बनाते रहिए, फोटो खींचते रहिए, वो आप खींचते रहना, ठीक है। तो आप घूमते फिरते रहिए। लेकिन अगर आप लाल किले आ रहे हो तो भाई साहब पूरा दिन आपको चाहिए। तो अगर आप लाल किले आ रहे हो तो ये मत सोचना 2-3 घंटे में कवर हो जाएगा, ना भाई, ये आप गलती करो। अगर आप अकेले हो तो हो सकता है बोर होकर चले जाओ, लेकिन साथ में आओ 3-4 लोग जने, तो पूरा लाल किला घूमते रहो। और पूरा दिन चाहिए, मतलब सुबह आप 10 बजे आओगे ना, तब जाके आप शाम के 4 बजे तक ढंग से आप इसको देख सकते हो। तो कंटिन्यू बनी हुई है, कंटिन्यू में कोई खाना पसंद है तो आप देख सकते हैं। हमने तो वेज सैंडविच और छोले कुलचे लिए थे, लेकिन हमें तो अच्छे नहीं लगे। लेकिन उसके अलावा और भी फूड है, वो हो सकता है अच्छा हो, हमने इतना उसको नहीं लिया, ठीक है। तो आइसक्रीम भी है वहाँ पे, लेकिन आइसक्रीम लोकल आइसक्रीम है, जो ये रेडी पर नहीं देते होते, जो गाँव में घूमते रहते हैं, उस तरह का टेस्ट था, ज़रा खास मज़ा नहीं आया मुझे खाने में। हाँ, एक सबसे बढ़िया चीज़ मिलती है पानी की बोतल, वो ठंडी मिल सकती है यहाँ पे, बिल्कुल फिल्टर वाला वाटर है पानी, 20 रुपये का, लेकिन यहाँ पे 30 रुपये की बोतल है। और हमने घूम लिया पूरा और काफ़ी अच्छा लगा हमें। तो आप भी बताना वीडियो आपको कैसे लगा, तो नीचे आप क्या करना, कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी लोग आपको दिखाते रहेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, मैं ये इस वीडियो को मैं कर रहा हूँ यहीं पे एंड, और इसके बाद नया व्लॉग स्टार्ट कर दूंगा। और उसके बाद हम लाल किला से एग्जिट होने के बाद हम जाएंगे जामा मस्जिद, जामा मस्जिद जाके उसके बाद जाएंगे हम सदर बाजार, और उसके बाद देखते हैं अगर कोई प्लान बना, शरीर में ताकत हुई, अगर टाइम बचा तो और कोई लोकेशन कवर कर लें, नहीं तो हम जाएंगे वापसी अपने घर की तरफ। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग के अंदर।